हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला लॉ हम लोग का क्या है कि लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स की अगर अलजेब्रिक से कोई रहेगा सेट्स तो उसमें क्या क्या लॉज फॉलो होते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का होता है वो आइडम्पोटेंट लॉ होता है। क्या होता है? आइडम्पोटेंट लॉ। ये क्या था? फॉर एनी सेट, अगर कोई एक सेट के लिए दिया हो तो हम लोग ये आइडम्पोटेंट लॉ को किसको फॉलो करते हैं, जब कोई एक सेट दिया हुआ हो। तो सपोज दैट कहीं पे एक सेट ए दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एक सेट क्या दिया हुआ है, ए। तो ए इक्वल टू सपोज दैट हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम सेट मान लिए। अगर हम लोग ए के साथ यूनियन भी करें ए का, दैट मीन्स क्या रहेगा, दोनों में ए का ही एलिमेंट तो वो ए ही रह जाएगा। अगर हम लोग ए और ए का इंटरसेक्शन भी निकालें तो भी क्या आएगा, तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, आइडम्पोटेंट लॉज कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर सेम सेट में हम लोग यूनियन या इंटरसेक्शन निकालें तो वही सेट रह जाता है। क्या रह जाता है? वही सेट रह जाता है। ये हम लोग का आइडम्पोटेंट लॉ कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग कहता है आइडेंटिटी लॉ, कि अगर कोई एक सेट है तो उस पर आइडेंटिटी लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं भी कोई सेट ए है, ठीक है, अगर इसको दूसरा सेट हम लोग बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी जो हम लोग का क्या है, फाई है। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग यूनियन कराएंगे, ठीक है, कि ए और बी में क्या सब एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 है और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि ए यूनियन अगर हम लोग फाई करें तो ये क्या, सेट ए ही बच जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा अगर हम लोग का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, उसको हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं। सपोज दैट इसमें कोई सेट ए है, जो कि हम लोग का गिवन सेट ए है, और ये हम लोग का क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो अगर इस दोनों में हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो हम लोग का कौन सा पार्ट कॉमन रह जाएगा, ए सेट। कौन सा सेट रह जाएगा, ए सेट रह जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो भी ए रह जाएगा, अगर हम लोग एम्प्टी सेट के साथ इसका यूनियन करें तो भी क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। तो इसी को हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। दैट मीन्स फाई और यूनियन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो यूनियन के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यूनियन के लिए क्या हो जाएगा, फाई, और इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स फाई और यूनियन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बस अलग अलग कंडीशंस के लिए। फाई जो है यूनियन के लिए होता है, और यूनिवर्सल सेट किसके लिए होता है, इंटरसेक्शन के लिए। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते हैं, तो ये ऑलवेज क्या होता है, दो सेट पे लागू होता है। क्या होता है, दो सेट पे लागू होता है। अगर कोई दो सेट ए और बी दिया हुआ है तब उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ। हम लोग का आइडेंटिटॉट लॉ किस पे था, सिर्फ एक सेट के लिए था। आइडेंटिटी लॉ क्या था, कि अगर हम लोग फाई और यूनियन के साथ किसी सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्या होता है, कोई भी सेट ए और बी दिया हो, अगर उसका यूनियन निकालना है तो बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव क्या होता है, अगर ए टू बी कुछ है तो अगर बी टू ए भी सेम रहा, देन इट इज नॉन एज अ कम्यूटेटिव लॉ। कि अगर ए और बी में कोई रिलेशन है, सेम रिलेशन अगर बी ए में आ जाए, दैट मीन्स अगर ए रिलेटेड टू बी हो जाए और इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाए, बी रिलेटेड टू ए, ठीक है, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी हम जो निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। सपोज दैट ए हम लोग का 1 2 3 4 है, बी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 3 4 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3 4 5। दैट मीन्स अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो हम लोग का ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर हम लोग बी यूनियन ए निकालेंगे तो भी क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या हो जाएगा, हम लोग का देखते हैं क्या आता है, 3 और 4। और हम लोग बी इंटरसेक्शन ए भी निकालें तो भी क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसमें एक और कम्यूटेटिव लॉ होता है, हम लोग जो सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़े थे, कि अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दिया हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दिया हुआ है, दैट मीन्स बी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग किसके अंतर्गत आता है, कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस, जो ये दो सेट्स हैं, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होते हैं किसी भी दो सेट्स पे। कौन कौन सा, यूनियन इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ देखते हैं कि कुछ जैसे कहीं पे हमको ए माइनस बी दे दिया, क्या दे दिया,
ए माइनस बी, अगर सिमिलरली हम बी माइनस ए निकालें, ये दोनों क्या होते हैं, डिसज्वाइंट सेट्स होते हैं, दैट मीन्स ये दोनों क्या होगा, सेम नहीं होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या हो जाएंगे हम लोग के, डिसज्वाइंट सेट्स हो जाएंगे। हम लोग पहले भी इस वीडियोज में इस चीज को देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग का एक, अगर हम लोग कार्टिसियन प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालें और फिर हम लोग बी क्रॉस ए निकालें, ठीक है, बी क्रॉस ए निकालें, ये भी क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं, ये जब कब सेम होंगे, जब ए और बी इक्वल हो जाएगा तभी ये जो है ना सेम होंगे। दैट मीन्स अगर तो कोई दो अलग अलग सेट्स हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, सेम नहीं होते। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है, सपोज दैट हम लोग का सेट ए क्या दिया हुआ 1 2 3 4 और सेट बी क्या दिया हुआ है 3 4 5, तो दैट मीन्स अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें, इसका कहने का मतलब है कि किसी में भी सबसे पहले ए का एलिमेंट लेना है 1, फिर बी का एलिमेंट हम लोग क्या लेंगे 3, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप से फिर 1 के साथ किसका रिलेशन हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 के साथ हम लोग का 5 का हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम लोग बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले बी के एलिमेंट आएंगे, बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, फिर उसका एलिमेंट 3 1 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यही क्या हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 1 हो जाएगा बी क्रॉस ए में। इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स आते रहेंगे, ठीक है, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट में। दैट मीन्स ये और ये कभी इक्वल नहीं होता है, कि दैट मीन्स ये क्या होगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को, ये कार्टिसियन प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिसियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहले ही बोले हैं, ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंस जो है हम लोग का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर नॉट कम्यूटेटिव, ये क्या होते हैं, ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, और एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज 3 सेट्स पे फॉलो होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ किस पे फॉलो होता है, 3 सेट्स पे। तो ये देखते हैं क्या होता है कि अगर ए यूनियन हम लोग बी निकालें, क्या निकालें, ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं और फिर उसका किसके साथ करते हैं, सी के साथ इंटरसेक्शन। अगेन हम लोग को क्या करना है कि बी यूनियन सी निकाल लेना, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। इसमें क्या किए थे, पहले ए बी का यूनियन निकाले थे और उसका सी के साथ यूनियन किए, इसमें क्या किए कि बी और सी का यूनियन लिए फिर ए के साथ यूनियन किए। दैट मीन्स ये क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, क्या होगा, दैट मीन्स यूनियन क्या होता है, फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी वही होगा इसमें। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है। कहीं पे ऐसा दे दे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो ये भी हम लोग का जो है ना एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। दैट मीन्स ए का सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग किसके साथ निकाल लेंगे, बी और सी के साथ। दैट मीन्स ये हम लोग का क्या, एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इंटरसेक्शन भी करता है और यूनियन भी करता है। दैट मीन यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होते हैं, एसोसिएटिव्स होते हैं, क्या होते हैं, एसोसिएटिव्स होते हैं। हम लोग का फोर्थ एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं क्या है, कि अगर ए माइनस बी हम लोग निकालें, क्या निकालें, ए माइनस बी निकालें और फिर हम लोग माइनस सी करें, ठीक है फ्रेंड। अगेन तुम लोग, हम लोग अगर वही करेंगे कि इसमें भी अगर हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएं, ए माइनस क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, ये हम लोग का इक्वल नहीं होता है, ये हम लोग का क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। बी माइनस सी पहले करके ए में उसमें माइनस करेंगे और फिर ए माइनस बी करके उसमें से सी अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन हम लोग का नेक्स्ट है क्या, कार्टिसियन प्रोडक्ट में, कि अगर ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए ऑफ कार्टिसियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू कार्टिसियन प्रोडक्ट ऑफ सी, ये क्या होता है, ये भी किस इस रोल को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ये भी हम लोग का क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो एसोसिएटिव लॉ को सिर्फ हम लोग का यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस फॉलो करता है। हम लोग इसको एग्जांपल लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मींस डिफरेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिफरेंस और क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर नॉट एसोसिएटिव, ये दोनों एसोसिएटिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर 3 सेट्स ए बी सी है तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए के साथ हम बी और सी का अलग अलग यूनियन करके इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। ये सिमिलरली कैसा हो गया, 2 × 3 + 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 2 × 2, यही हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, कि जो बाहर है उसको हम लोग अंदर वाले के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दैट मीन्स यूनियन और इंटरसेक्शन,
जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये भी हम लोग का क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन हम लोग का क्या होता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो ये हम लोग का क्या होता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं कि जैसे हम लोग कहीं पे ऐसा लिख दें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी दैट मीन्स इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएंगे इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये जो ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये हम लोग का इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स कि क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो या एसोसिएटिव हो उस लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग कहीं पे ऐसा दे दे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, दैट मीन्स कि ये भी क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, इसको ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा ए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये भी हम लोग का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है कि अगर हम लोग ऐसा करें ए क्रॉस बी माइनस सी, ये भी हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करता है, ठीक है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो या एसोसिएटिव हो। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इंटरसेक्शन और हम लोग का यूनियन क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ हम लोग ऊपर में क्या देखे कि जहां भी सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही क्रॉस या माइनस आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को या चाहे एसोसिएटिव लॉ किसी को भी फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है वो होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग देखते हैं क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी निकाले और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, कॉम्प्लीमेंट कहने का क्या मतलब हम पहले ही बताए थे कि फ्रेंड्स अगर कोई एक सेट है और वो यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है तो इसके बाहर का ए के बाहर का जितना एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ देखें तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, कोई एक हम लोग का यूनिवर्सल सेट है उसमें सेट ए है सेट बी है, तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे और इसके बाहर जितना एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला सारा पार्ट हो जाएगा ए के बाहर वाला, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी के बाहर वाला सारा पार्ट। अगेन देखते हैं हम लोग में ये सारा पार्ट उसमें भी आ जाता है, दैट मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन करें, दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे। अगेन फिर देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स कि कोई सेट ये ए है कोई सेट बी है, ये हम लोग का इंटरसेक्शन पार्ट होगा, इसके बाहर जितना भी पार्ट होगा इस छोटा सा पार्ट के बाहर वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश क्या होगा इसके बाहर का सारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और बी डैश निकालेंगे तो बी के सारे बाहर का पार्ट हो जाएगा और उसका यूनियन करेंगे दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा सारा पार्ट ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ से भी क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, ये हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ में नेक्स्ट हम लोग का क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है कि अगर कहीं पे ए माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, तो ये क्या होता है इसको हमको देखना है। ये हम लोग का जो है ना कैसे करेंगे ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, दैट मीन्स ये हम लोग का कौन सा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हम लोग का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिमॉर्गन्स थ्योरम में एक इंपॉर्टेंट है चीज और बताए कि ए माइनस बी यूनियन सी दिया रहे तो उसको ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और लॉ होता है कि सिमिलरली जहां यूनियन यूज किया वहां हम लोग इंटरसेक्शन भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट लॉज थे ये क्या थे डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके, तो इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
नेक्स्ट आता है हम लोग का थ्योरम ए और बी से रिलेटेड बुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहला क्या होता है कि अगर ए माइनस बी निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि ए इक्वल टू हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग एक यूनिवर्सल सेट इसमें मानेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग बी क्या मान लिए, 3 4 5 6 7। तो अगर हम लोग यहां से बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल में बी का एलिमेंट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक तो है ही फ्रेंड्स, दैट मीन्स 8 9 10 ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए 1 और 2 के अलावे कोई भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। और ए माइनस बी भी हम लोग करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 1 और 2, क्या आएगा, 1 और 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ऐसे कर, सिमिलरली वही बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग का ए माइनस बी इक्वल टू ए दिया हुआ, ए माइनस बी इक्वल टू ए दिया हुआ, दैट मीन्स ए और बी क्या है, डिसज्वाइंट सेट्स है, मतलब बी ए का किसी भी एलिमेंट को नहीं हटा पाया, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसज्वाइंट सेट्स हो जाएंगे। सपोज दैट ए इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 2 और 3, हम लोग बी क्या ले लिए, 4 5 6, दैट मीन्स ए माइनस बी करेंगे तो हम लोग का क्या रह जाएगा, ए ही रह जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। दैट मीन्स अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर a माइनस बी यूनियन a माइनस बी इक्वल टू अगर वो दोनों डिसज्वाइंट सेट रहेगा तो ये a रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मीन्स ये सारा कंडीशन कब फॉलो होगा, जब a और b क्या होगा, डिसज्वाइंट सेट्स होंगे। तो दैट मीन्स a माइनस बी अगर a है तो ये क्या है, दोनों डिसज्वाइंट सेट्स हैं। तो ये सारा किस चीज के लिए होता है, डिसज्वाइंट सेट्स, कि अगर कोई दो सेट डिसज्वाइंट सेट्स हैं तो उस पर ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ गया, दैट मीन्स ए माइनस बी क्या होगा, हम लोग का फिर से देखते हैं, ये ए माइनस बी हम लोग का क्या रह जाता है, ए ही रह जाता है, उसके साथ बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग क्या लिखें कि a इज द सबसेट ऑफ b, दैट मीन्स b डैश इज द सबसेट ऑफ a, इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग क्या क्या होता है कि a माइनस b क्या दिया हो, a माइनस b यूनियन b माइनस a, तो इसको हम लोग क्या अलग अलग कर सकते हैं, क्या a यूनियन b, सबसे पहले क्या ले लेंगे, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, क्या कर देंगे माइनस में, a इंटरसेक्शन b, ये हम लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्चुअली क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, a इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b, a इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b का हम लोग का यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एक a यूनियन b निकालेंगे और उसमें a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट को हटा देंगे। तो सिमिलरली इसी को देखते हैं तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, सर्कुलर पार्ट, यूनियन पार्ट, इसमें ये हटा देंगे तो कौन सा पार्ट बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला पार्ट क्या होता है, बी माइनस ए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए का करेंगे तो ये हम लोग का ये वाला पार्ट और कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और यहां से हम लोग देखते हैं कि ए यूनियन बी में ये पूरा सर्कुलर पार्ट आएगा और उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे तो वही और वही पार्ट रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का थ्योरम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना कि अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है तो उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में क्या देख, पिछले स्लाइड्स में क्या देखे थे,
कि अगर दो सेट्स रहा तो उस पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तीन सेट्स है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, कि ए बी सी आर थ्री सेट्स देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में और ए माइनस सी। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सपोज दैट ये हम लोग का एक कोई यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट हम लोग का बी हो गया और ये क्या हो गया, सेट सी हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ए मान दिए, मान लिए इसको बी मान लिए, इसको क्या मान लिए, सी। बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट हम लोग लें तो कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसको क्या करना है, ए में माइनस कर देना, तो ए वाला क्या रह जाएगा, ये वाला पार्ट बचा रह जाएगा। कौन सा पार्ट बचा रह जाएगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग का कौन सा पार्ट बचा रह जाएगा, ये वाला जो इतना सा इधर से ए का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला पार्ट सिर्फ क्या होगा, हट जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ए माइनस बी निकालें तो ये इधर वाला पार्ट आएगा, सिर्फ क्या आएगा, जो जिसमें जो बी नहीं है, और बी ए माइनस सी निकालें तो फ्रेंड्स ये सी वाला पार्ट जो है ना, जितना है इसके अंदर, ये सी वाला पार्ट से ये हट जाएगा, दैट मीन्स क्या रह जाएगा, अब इतना सा पार्ट रह जाएगा जो ए और बी में नहीं है, दैट मीन्स ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर फिर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी भी करेंगे तो क्या होगा, वही आएगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, दैट मीन्स ये भी हम लोग रूल से देख सकते हैं। फिर अगर ए माइनस बी यूनियन सी दिया रहती, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी दिया है तो क्या बोले, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स ये हम लोग का क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस में भी हम लोग सेम ये रूल फॉलो कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, हम पहले ही बोले सिमेट्रिक डिफरेंस और यूनियन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अब अगले में देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंस थ्योरम्स जो कि यूज होते हैं सेट्स थ्योरी में।